आरटीसी मुलाजमीन से इजहार यंगागत के लिए आज टीएनजीओ यूनियन ने सरकारी दफातर में काम का बायकाट किया। आरटीसी हड़ताल आज 15वें योम में दाखिल हो गई। साथ ही आज यूनियन की जानिब से तेलंगाना बंद का ऐलान किया गया था, जो जुजवी रहा। इस दौरान तेलंगाना टीएनजीओ ने जिले मोहतमिम तालीमात डीईओ दफ्तर में तमाम सरकारी मुलाजमीन ने जमा होते हुए आरटीसी मुलाजमीन का साथ दिया और हड़ताल में हिस्सा लिया। धरना तकरीब में टीएनजीओ सेंट्रल यूनियन के सदर सेक्रेटरी और दीगर आला होदार रविंदर रेड्डी, एम राजेंद्र रेड्डी, रशियल महिपाल रेड्डी के अलावा दीगर धरने में शामिल रहे थे। इस दौरान हैदराबाद टीएनजीओ सदर एसएम हुसैनी मुजीब ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आरटीसी मुलाजमीन के मुतालबात को कबूल करते हुए उन्हें राहत पहुंचाए। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को हो रही दुश्वारियों और मसायल से हुकूमत को वाकिफ करवाते हुए इंतबाह दिया कि वो आइंदा 15 दिनों के दौरान सरकारी मुलाजमीन का पीआरसी की इजराई अमल में लाए। आंध्रा में बरसर खिदमत तेलंगाना के मुलाजमीन की वापस मुंतकली के इकदाम अंजाम दे। लाइब्रेरी व एग्रीकल्चर मुलाजमीन की तनख्वाहें 010 हेड के तहत जारी करें। हेल्थ कार्ड को पुरसर बनाते हुए मुलाजमीन को इलाज में आसानी हो सके। मुतालबात की अदम तकमील पर उन्होंने रियासती हुकूमत से कहा कि एक और सकुला जनुला समय के इम्कानात हो सकते हैं।